सही है, सैमसंग का एक S20 5G ये मॉडल आया हुआ है। पिंक कलर है। हाँ समझ ले, बिल्कुल कंडीशन 100% ओरिजिनल VIP कंडीशन है। सैमसंग का A53 का 3 पीस वापसी नए आए, ठीक है स्टॉक पे। अब गूगल पिक्सल स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गूगल पिक्सल 4 से 100% ओरिजिनल स्टॉक, कुछ चेंज नहीं है। कहते हैं गूगल पिक्सल 4XL पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास गूगल पिक्सल 4XL में OEM लॉक भी है, OEM अनलॉक भी है। चल वो हो गया। अब आते हैं गूगल पिक्सल 5 पे, उसके बाद आते हैं गूगल पिक्सल के एक और आइटम पे। ये कोई शेड कोई वो नहीं है, कंडीशन ही माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन है, 100% ओरिजिनल है। गूगल पिक्सल 4 5G 100% ओरिजिनल स्टॉक है, कोई स्क्रैच स्क्रैच नहीं है। अब साइड बॉडी, अब ये बॉडी देख रहे हैं, ये 6 सीरीज के वाले मॉडल पे। 6 सीरीज में सबसे पहले आते हैं गूगल पिक्सल 6A, बिल्कुल फ्रेश 100% ओरिजिनल स्टॉक है। 8% समझ भाई, 100% ओरिजिनल स्टॉक, कंडीशन है देख लें माशाल्लाह, कोई शेड कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा, अगर 19-20 को चीज़ होगी तो बता देंगे दानिश भाई। ये है गूगल पिक्सल 6 शेड वाला। पहले आते हैं गूगल पिक्सल 7 प्रो पे। 7 प्रो लास्ट कुछ 5-7 पीस आए थे हमारे पास, अलहमदिल्ला वो सेल हो गए, मतलब दुकान है। 6 प्रो में 128 GB। अब आ जाते हैं 6 प्रो में थोड़ी कंडीशन वाले, इस तरह जो सस्ता जिसको चाहिए किसी को। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ दानिश भाई की शॉप पर एक नई वीडियो के साथ, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि जानते हैं कि वक्फे से दानिश भाई अपडेट देते रहते हैं, तो आज भी गूगल पिक्सल के काफ़ी मॉडल आए भाई के पास, आपको अपडेट देते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जो है वो, पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने भी देखने वाले हैं, और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जो है स्टॉक, मतलब हमारी वीडियो वैसे लास्ट टाइम जो अपलोड हुई तो स्टॉक सेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी जो नया स्टॉक आया है उसमें कुछ दो, हाँ गूगल पिक्सल, आपको पता है हमेशा यही काम करते हैं गूगल पिक्सल के ज़्यादातर। तो कुछ सैमसंग के एक दो मॉडल हैं बस, वो हैं, बाकी तो सब मोस्टली गूगल पिक्सल ही सब। लेकिन ये है कि गूगल पिक्सल छोटे मॉडल से लेकर 4 से लेकर, इस बार 4 भी लेकर आया ना गूगल पिक्सल 4 भी आया, 7 प्रो। तो 7 प्रो का वैसे आखिरी एक पीस बचा हुआ है, बाकी तो 4-5 पीस और आए थे वो सेल हो गए। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं गूगल पिक्सल, नहीं पहले सबसे पहले एक स्टार्ट करते हैं वही सैमसंग के दो फ़ोन हैं। एक सही है सैमसंग का, एक S20 5G ये मॉडल आया हुआ है, पिंक कलर है। हाँ समझ ले, बिल्कुल कंडीशन 100% ओरिजिनल VIP कंडीशन है। न्यू तो नहीं है, यूज्ड ही है, लेकिन ये नए में काउंट हो सकता है, लेकिन वही बात है कि यूज मंगवाया तो यूज्ड ही है, ठीक है। अच्छा इसमें जो है वो सिम लॉक है, ठीक है, सिम नहीं चलेगी आपकी, पहली बात। दूसरी बात 8 GB 128 GB है, ठीक है, 8 GB 128 GB स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, कैमरा वैमरा इसका अच्छा ही होता है गूगल पिक्सल अपना, सॉरी सैमसंग का S25G का। और इसमें माइनर शेड आ रहा है, लास्ट टाइम आपको वीडियो में जो 3 पीस दिखा 2 पीस दिखा था वो दोनों सेल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, इसमें माइनर शेड है, वो मेरे ख्याल से 37,000 और नहीं 36,000 और 38,000 35,000 और 37,000 रुपये का सेल कर रहे थे ये, बिल्कुल समझ लें। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ अगर, हाँ इससे पास नहीं, यहाँ देखिए ऊपर बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ यहाँ पर हल्का सा, बिल्कुल माइनर, बहुत माइनर है, मतलब शायद मेरे नहीं कल वीडियो में नहीं हो रहा आवाज़ें मेरे ख्याल से नहीं हो रहा, बहरहाल है सही है जो चीज़ें बता के दे रहे हैं। बाकी ऑल ओके है, फिंगर प्रिंट हर चीज़ ओके, कैमरा शैमरा हर चीज़ ओके है, ऑल ओके फ़ोन है ये, जिसको चाहिए ये मिल जाएगा आपको। सैंतीस हज़ार का मिल जाएगा ये, ठीक है, 37,000 का मिलेगा, बिल्कुल फ्रेश पीस है, सही है, कोई शेड मतलब माइनर, बिल्कुल माइनर शेड है, बाकी ऑल ओके सही हो गया, ये एक ही पीस है। अब आ जाते हैं सैमसंग का A53 का 3 पीस वापसी नए आए, ठीक है, कंडीशन है ये वही जिस तरह का लास्ट टाइम स्टॉक आया था उसी तरह का स्टॉक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, ठीक है। LCD इसकी बिल्कुल फ्रेश है, कोई माइनर शेड वाइनर शेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैमरा वैमरा आपको दिखा देता हूँ, ये फ्रंट कैमरा है इसका और ये बैक कैमरा है इसका। मेरे को किसी एक कस्टमर ने बताया इसका जो ना 120 Hz रिफ्रेश रेट है इसमें, वरना सैमसंग के मैं जिस प्राइस में भी दे रहा हूँ बता रहा हूँ बताऊँगा आपको, इतने पैसों में ना इतने पैसों में मिलता नहीं, किसी भी सिम लॉक है, ठीक है, सिम लॉक है, सिम नहीं चलती, कैरियर लॉक है। सिम लॉक का मतलब, सिम लॉक अगर मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है कि कैरियर लॉक है, बाहर से जब फोन आता है ना जिस तरह यू फोन टेलीनो और इस तरह के फोनों पर होता है, अब ये ट्रैक फोन वाला फोन है तो इसमें जो है सिम लॉक है, सिम नहीं चलेगी आपकी। अच्छा ये सिम लॉक मतलब पाकिस्तान में भी चलेगा नहीं और बाहर मुल्क में भी चलेगा नहीं, अगर कोई बंदा बोलता है मैं यहाँ से बाहर पाकिस्तान अमरीका ले जाऊँ नहीं चलेगा, नहीं कभी नहीं चलेगी, सिम नहीं चलेगी इसमें, ठीक है ना, बाकी हर चीज़ वर्किंग में।
आजकल वैसे भी सिम लॉक वाले फोन, जैसे आईफोन लोग लेते हैं मतलब 3-3, 2-2 लाख रुपए के लोग लेते हैं, सिम जीबी लॉक लेते हैं इस तरह के, तो लोग इस तरह प्रेफर लेते हैं ये फोन। 6 GB 128 GB मेमोरी दिखा देते हैं, 6 GB 128 GB है, ठीक है। 5000 mAh बैटरी है, एंड्रॉयड इसका 14 है, एंड्रॉयड 14 है, ठीक है। A53 5G मॉडल है, ये मॉडल नया लेटेस्ट मॉडल है, ये 3 पीस आए हैं सिर्फ, ठीक है। लास्ट टाइम 2 पीस आए, दोनों सेल हो गए थे, एक पीस रिटर्न आया था वो भी सेल हो गया था ना लास्ट टाइम, एक पीस रिटर्न मतलब कस्टमर ने एक डाउट की वजह से रिटर्न भेजा था, वो भी मतलब तो कोई पैसे काटे नहीं थे अल्लाह का शुक्र है। अगर वो कस्टमर वीडियो देख रहा हो तो बता भी देगा, कोई ऐसे अल्लाह ना करे एक रुपया काटा नहीं उसका, ठीक है। तो वो फोन भी अलहमदिल्ला सेल हो गया। अब ये 3 पीस आपसे यहाँ हैं, ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, नए समझ लें नए फोन है, ये है यूज स्टॉक मंगवाया लेकिन है बिल्कुल कंडीशन वाइज बिल्कुल न्यू है। ये मिल जाएंगे आपको इस बार 29,000 रुपये के हिसाब से, 20 लास्ट टाइम 30,000 का सेल करा, इस बार मिलेंगे आपको 3 पीस, ये 3 पीस हैं 29,000 के हिसाब से, ठीक है। 29,000 तीनों की कंडीशन एक नज़र देखनी है तो दिखा देते हैं, मसला नहीं है, ताकि ऑलमोस्ट समझ लें न्यू है, यहाँ तक के ये देखें हम आपको, थोड़ा सा शुष्क हो जाएंगे ये, ये कंपनी की पनियाँ होती है ना वो फ़ोनों में लगी हुई आती हैं, वो भी लगी हुई हैं। फ़ोन की 100% ओरिजिनल की गारंटी देंगे, उससे कस्टमर, अच्छा एक और बात वापसी रिपीट कर दूँ, वो फ़ोन हमारे पास 100% ओरिजिनल होते हैं, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं करते, कुछ बॉडी चेंज या फिर कोई चीज़ अगर चेंज कोई दुकानदार वो कस्टमर बोल दे, कोई चेंज नहीं करते, एज इट इज़ जैसा बाहर से आता है ना वैसे सेल करते हैं। 19-20 भी कोई चीज़ होती है तो बता के देंगे, कुछ चेंज करा के देंगे नहीं। अब जैसे ये देख लें, अभी ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब ये अब कोई का बोले यार ये तो नया फ़ोन है, इसका मतलब है कि ये फ़ोन वो रिफर्बिश नहीं हो इस तरह, ये 100% ओरिजिनल की गारंटी भी दे रहे हैं पहली बात। दूसरी बात, IMEI नंबर है ना इस पे पीछे लिखा हुआ होता है, ये मेंशन है, जब यहाँ से आप ऑन करेंगे ना इसको, चलें आप एक ये भी कर लेते हैं एक तसल्ली के लिए लोगों के लिए, 34347 आप गौर करेंगे ना, 34347 लिखा हुआ है इसके ऊपर, अगर मेरे निकाल वाजे हो गए तो हो रहा, लेकिन बहरहाल इसकी गारंटी है ना आप, हाँ बस इसकी गारंटी है, ठीक हो गया। कोई भी स्टॉक जो जो अभी दिखा रहे ना आपके सामने जो पड़ा हुआ है, ये स्टॉक है, ठीक है, इस वीडियो में ये स्टॉक है, जो रेट इस वीडियो में जो बताएं वही रेट फाइनल है, बार्गेनिंग हमारे पास नहीं होती, और आज कोशिश करेंगे कुछ पैसे थोड़ा सा कम फेवर दें कस्टमर को ना, कुछ देखेंगे अगर पिछली वीडियो से, तो हम हमेशा मैंने ऐसे ही करा है, जितनी पिछली वीडियो बनाई है सब में रेट आगे अगली वीडियो में कम करें, तो इस बार भी कोशिश करेंगे कम करेंगे, ठीक है। नहीं ईद की वजह से नहीं कर रहे, ऐसे ही बस कर रहे हैं, ईद में तो अल्लाह ताला वैसे ही मेहरबानी अल्लाह ताला ने करी हुई है, ईद की नेमत दी हमें। अच्छा ये हो गया सैमसंग का स्टॉक, अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल के स्टॉक पे। अब गूगल पिक्सल स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले गूगल पिक्सल 4 से, ठीक हो गया। गूगल पिक्सल 4 हमारे पास शायद मेरे ख्याल से तो कुछ बहुत टाइम बाद आया है, इससे पहले 4XL आया था, हाँ। अच्छा ये देख लें, ब्लैक वाइट ऑरेंज, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, 100% ओरिजिनल स्टॉक, कुछ चेंज नहीं है ना, कोई बैक कवर चेंज, कंडीशन है देख लें, यूज स्टॉक है, यूज में नया नहीं है, लेकिन ये 100% ओरिजिनल स्टॉक है, जो मार्केट में अभी गूगल पिक्सल 4 और 4XL आया है, रिफर्ब आया है, द बॉक्स वाला कंपनी रिफर्ब आता है, वो नहीं है, ये 100% ओरिजिनल यूज अमेरिकन स्टॉक है, ठीक है। एक फ़ोन ये ले, LCD बिल्कुल फ्रेश है, कोई शेड कोई डॉट नहीं है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ एक बार वापसी, 6 GB होता है, 6 GB रैम होती है इसकी, सही है, 64 GB मेमोरी होती है, ठीक है, वही अनलॉक है, सिम आपकी वर्क करेगी इसमें, फिजिकल सिम और ई सिम, ठीक है। कैमरा वैमरा बताने की वैसे ज़रूरत वापसी नहीं है, एक बार गूगल पिक्सल 4 का भी दिखा देते हैं कैमरा, कैमरा रिजल्ट चेक कर लें आप, सिर्फ क्लैरिटी चेक कर रहे हैं आप सिर्फ कैमरे की, ये देखें फ्रंट कैमरा, ठीक है। 2800-2700 mAh बैटरी है, 855 स्नैपड्रैगन है, बहुत छोटा हैंड कैरी फ़ोन है, मतलब 100 फ़ोन है, ये सही है, पॉकेट साइज़ फ़ोन है ये, 855 स्नैपड्रैगन है, फ्लैगशिप फ़ोन कराता है ये, गूगल पिक्सल 4 है, ये आपको मिल जाएगा वही अनलॉक वाला ना, वही अनलॉक में आपको ये मिल जाएगा, हमारे पास एक ये कलर है, एक ये कलर है और एक ये कलर है, ये एक मिनट चेक कर लेते मेरे को ज़रा, अनलॉक में है नहीं है ये, कन्फर्म कर लेता हूँ, अनलॉक है, ठीक है। ये तीनों कलर हैं, 100% ओरिजिनल है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये जिसको चाहिए मिल जाएगा 29,000 रुपये का, गूगल पिक्सल 4 6 GB 64 GB 29,000 रुपये का। इसमें एक दो फ़ोन हमारे पास 128 GB के हैं, सही है, वही अनलॉक में वो आपको मिल जाएगा 31,500 रुपये का, बल्कि एक काम करते हैं 31,000 कर देते हैं उसको, ठीक है, 29,000 चार्जर गूगल पिक्सल के हर फ़ोन में मिलेगा आपको हमारी तरफ से, ठीक है।
जैसा लास्ट टाइम कहा था ना कि चार्जर देंगे, वो मंगवा के रखे हुए हैं, वो कस्टमर को हमें भी जितने भी कस्टमर को सेल करें फ़ोन सबका चार्जर भेज दिया उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह और अभी भी देंगे। सही है, फोर हो गया। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल 4XL पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास गूगल पिक्सल 4XL में ओएम लॉक भी है, ओएम अनलॉक भी है। ओएम अनलॉक में सिम वर्क करती है फिजिकल सिम, ई सिम दो महीने बाद भी, और ओएम लॉक में जो है दो महीने फिजिकल, दो महीने ई सिम वर्क करती है। ठीक है, ये है कंडीशन, देख लें 100% ओरिजिनल, 6GB 64GB गूगल पिक्सल 4XL स्नैपड्रैगन 855 ओएम अनलॉक, फ्रेश पीस है बिल्कुल, कोई शेड वेड नहीं है। ठीक है, ये जिसको चाहिए 4XL ये मिल जाएगा आप लोगों को 37,000 रुपये का, 37,000 का 4XL 6GB 64GB। अरे ये फ्रेश में एक पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक पीस थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी रफ है इसकी, बैक से और फ्रंट पे हल्के स्क्रैचेज हैं। ये जिसको चाहिए होगा ये मिल जाएगा आपको, LCD बिल्कुल फ्रेश है, कोई शेड नहीं है, 35,000 रुपये का, वही अनलॉक है। ठीक है, दिखा देता हूँ इसके रिफर्बिश की बाजार भी, मार्केट अभी जो है ना, ठीक है, रिफर्बिश की बाजार भी जो है ना, मार्केट अभी जो है ना, मेरे ख्याल से 40,000 से ऊपर चल रही है। रिफर्बिश वाला जो फोन है ना, बॉक्स वाला जो नया रिफर्बिश का है, वो 40,000 से ऊपर है। ये आपको दे रहे हैं हम 35,000 और 37,000, ये दो हो गए। अब इसमें ये दो फोन है मेरे भाई, इन कंडीशन है दोनों की साफ है, ठीक है, एक ब्लैक है, वाइट कलर है। इन दोनों पे ना यहाँ पर सिग्नल का माइनर शेड आ रहा है, सिग्नल का शेड आ रहा है, देखें हल्का हल्का शेड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये बॉर्डर पे, ठीक है ना। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वीडियो में देख लें, सही है, तो कस्टमर भी डन आराम से ले सकेगा। अब मैं बताऊँ, मैं सिर्फ ये बोल दूँ कि हल्का सा शेड है तो समझ नहीं आती ना बात। अच्छा, ये जिसको चाहिए होगा ना, ये बिल्कुल माइनर माइनर ये मिल जाएगा 35,000 के हिसाब से, 35,000 के हिसाब से। सही है, ये दो फोन है बिल्कुल माइनर, सिंगल शेड है, बाकी कंडीशन है साफ सुथरी है, साइडें वाइडें साफ सुथरी है, फ्रंट भी बिल्कुल साफ सुथरा है। सही है, 6GB 64GB है, ओएम अनलॉक है, और आपकी जो है वो क्या नाम है 855 स्नैपड्रैगन है। अब आ जाते हैं इसमें, ये दो फोन है गूगल पिक्सल 4XL ही है, ये 6GB 64GB है, ये ओएम लॉक है। सही है, इसमें आपकी दो महीने फिजिकल दो महीने एसएम चल जाएगी, इसकी LCD बिल्कुल फ्रेश है, कंडीशन भी साफ सुथरी है। ठीक है, सही है, ओएम लॉक है, इसमें दो महीने फिजिकल दो महीने एसएम चल जाएगी आपकी, ये मिल जाएगा 31,000 के हिसाब से, 31,000 सही है, 4XL 31,000 का। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल हो गया, अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल 5 पे, उसके बाद आते हैं गूगल पिक्सल के एक और आइटम पे। गूगल पिक्सल 5 में एक ये पीस है गूगल पिक्सल 5, फ्रंट पे हल्के फुल्के स्क्रैचेज हैं, कंडीशन बाकी साफ सुथरी है, 100% ओरिजिनल है। इसमें आ रहा है शेड, ये देखें, ये देखें, ये शेड आ रहा है नीचे भी, यहाँ पर माइनर शेड है, ये रहा, ठीक है, ये ओएम अनलॉक है, ये 6GB 128GB होता है, ठीक है, सही है। गूगल पिक्सल 5 ओएम अनलॉक है, दो महीने फिजिकल दो महीने सिम वर्क करेगी इसमें, ठीक है, ओएम अनलॉक है, बाकी सिम भी वर्क करेगी इसमें। ये आप लोगों को मिल जाएगा कस्टमर को, सॉरी 36,000 रुपये का, ठीक है, विद चार्जर, गूगल पिक्सल 5 चाहे गूगल पिक्सल के सब फोन के साथ है। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल 5 में ही ओएम लॉक में। अच्छा, ओएम लॉक बेसिकली क्या है कि दो महीने फिजिकल दो महीने इसमें चल जाएगी, बाकी अगर आप बाहर मुल्क में चलाना चाहें वहाँ चल सकता है। कैरियर लॉक वाला फ़ोन जैसे मैंने पहले कहा ना, जिसे मैं सैमसंग दिखाया, कैरियर लॉक वाला फ़ोन यहाँ पर सॉफ्टवेयर होकर चलता है दो महीने सॉफ्टवेयर करके, लेकिन बाहर मुल्क में नहीं चलता, उसकी ड्यूटी भी पे नहीं कर सकते आप, ठीक है। ओएम लॉक हो गया या ओएम अनलॉक वाले फ़ोन हो गए, ठीक है, तो वो आपके ड्यूटी उसकी पे कर सकते हैं आप, ठीक है, और जो है अपना वो आप दो महीने फिजिकल दो महीने से चला सकते हैं। ये है बिल्कुल फ्रेश, सही है, कोई शेड कोई वो नहीं है, कंडीशन ही माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन है, 100% ओरिजिनल है। ये ओएम लॉक है, दो महीने फिजिकल दो महीने से चलेगी, ठीक हो गया। 8GB 128GB है, 4000mAh बैटरी है, कैमरा है मेरा, एक मिनट इसका भी दिखा देते हैं, ये देख लो, ये मिल जाएगा 32,000 के हिसाब से, 6GB 128GB गूगल पिक्सल 5, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल 4A 5G। गूगल पिक्सल के हर मॉडल की ड्यूटी जो है ना बहुत ज्यादा है,
सही, ये कस्टमर समझ ले बात दिमाग में बिठा लेगा, अगर गूगल पिक्सल किसी को लेना है उसकी हर मून की ड्यूटी 6 सीरीज की ड्यूटी जो है वो 6 सीरीज से लेकर आगे के मॉडल जितने भी हैं, सिर्फ 6A सीरीज की ड्यूटी 30,000 तक के डबल ड्यूल सिम पर है, ठीक है, बाकी 6, 7, 7, 7 प्रो, 8 प्रो उनकी और ज़्यादा है, 6 प्रो की ड्यूटी ज़्यादा है, 40,000 कम से कम 40,000 भाई ये वीडियो अब कस्टमर सेव कर लो, बार बार ये सवाल नहीं करे ये ड्यूटी कितनी है, 40,000 से ऊपर ड्यूटी आती है, ठीक हो गया, एक सिंगल सिम पे, ड्यूल सिम की बात नहीं कर, सिंगल सिम की बात करो। गूगल पिक्सल का एक ही मॉडल वाइज मॉडल जिसकी ड्यूटी जाना बहुत कम है वो है 4A 5G, ठीक हो गया, वो भी हमारे पास अलहमदिल्ला आ गया है, पहले तो लास्ट टाइम वीडियो में एक दो फोन आए थे वो तो सेल हो गए थे, उसके बाद भी दो तीन, मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद भी आए थे थोड़े दो तीन फोन आए थे वो भी सेल हो गए थे अलहमदिल्ला, अब थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा आई है, 10-15 भी होना है। इसकी ऑफिशियल ड्यूटी जो है ना, जो ऑफिशियल हम PSID निकाल के ऑफिशियल ड्यूटी जो पे करते हैं वो 3,850 रुपये आती है, 3,850 मतलब 4,000 समझ लगभग आप 4,000, वो भी ड्यूल सिम पे, अगर किसी को सिंगल सिम करवाना हो पेयर बना के तो वो 2,000 पे करनी पड़ती, 2,000 आती है, ठीक है। आप जिस कस्टमर को चाहिए होगा ड्यूटी पे करवा के चाहिए होगा वो करवा के दे देंगे, वरना तरीका बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन पे कर सकता है बंदा, ठीक है, वो पे करके आराम से ड्यूटी पे कर ले। अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे, ये है गूगल पिक्सल 4A 5G 100% ओरिजिनल स्टॉक है, कुछ ग्लास चेंज कोई बॉडी चेंज नहीं करा है अभी, अब देखिए ये स्टिकर के बैक पे निशान अलग है, देखिए यूज स्टॉक होता है निशान होंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि यूज स्टॉक में निशान नहीं हो ना, शादिर नादिर निकल जाता है यूज स्टॉक में बिल्कुल फ्रेश, वो इस तरह होता है कंपनी को स्टॉक एम्प्लॉयर को दिया, एम्प्लॉयर से कंपनी का वापसी रिटर्न आ गया और कंपनी का पड़ा रहा उसके बाद हमने परचेस कर लिया कंपनी से, वो कम चला हुआ फोन, तो वो इस तरह जो है ना वो स्टॉक जो है उस पर निशान नहीं लगते, सही है। अब इसकी बॉडी इस तरह की है, मैं आपको एक बताऊँ, इसकी बॉडी इस तरह की है, इस पर पाउच जब लगता है ना फोन पर तो ये ऑटोमेटिक इस पर निशान आ जाते हैं, इसकी बॉडी इस तरह की बनाई हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन ख़राब है क्या है क्या नहीं है, तो अब ये लोग चेंज करा के बेचते हैं, इसकी बॉडी जो है ना, अब मैं आपको सही बताऊं तो 1700-2000 रुपये की बॉडी हड्डी आती है इसकी, केस आता है ये चेंज हो जाती है तो वो नया हो जाता है फ़ोन, क्योंकि अब ये देखें फ्रंट बिल्कुल फ्रेश है, सही है, फ्रंट देखें बिल्कुल फ्रेश है, कोई एक मिनट कोई स्क्रैच नहीं है। अब साइड बॉडी, अब ये बॉडी देख रहे हैं, ये क्या है, लग रहा है आपको, आपको भी नज़र आ रहा होगा ये केस लगाया हुआ उसका निशान आ गया, सही है। ये फोन्स जिसको चाहिए ड्यूटी पे करने, ड्यूटी पे हमसे करवा लें या खुद भी पे कर सकते हैं, मसला नहीं, 3,850 ये अभी बजट से पहले तक ड्यूटी में का देती नहीं होगी, उसके बाद शायद मे बी एक्सपेक्टेड है कि ड्यूटी बढ़ जाए, सही एक्सपेक्टेड है अभी राइट नाउ, तो ड्यूटी बढ़ जाएगी तो वो आप कस्टमर जो पे आएगी तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, अभी जिसको लेना है वो ले लें फ़ोन, 6GB 128GB होता है समझ पाए, ये फ़ोन एक फ़ोन दिखा देता हूँ, फिंगर सेंसर सही है, 4000mAh बैटरी होती है इसकी, एंड्रॉयड 14 पे अपडेटेड होता है ये फ़ोन, अब एंड्रॉयड 14 इस पर अपडेटेड हुआ है, ड्यूल सिम फिजिकल सिम और ई सिम होती है, कैमरा वैमरा इसका बहुत अच्छा है, इसकी बैटरी टाइमिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये देख लें फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, मतलब हर तरह अच्छा फ़ोन है ये, इस बजट में अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना, देखें कुछ कुछ कंडीशन थोड़ी ज़्यादा रफ है, कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में इस तरह है ना, तो ये आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा 34,000 से लेकर 38,000 तक का, 34,000 से लेकर 38,000 रुपये का, जैसे देखें अब मेरी बात सुने, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अब ये फ़ोन है, अब ये LCD फ्रेश है, ये देखिए ना सिग्नल का शेड आ रहा है यहाँ पर, सही है, अब इसकी बॉडी हल्की सी थोड़ी माइनर वो हो रही है, सही है, मतलब ज़्यादा निशान जो 3,000 निशान है, इस तरह के फ़ोन होंगे 34,000-35,000 रुपये के मिल जाएंगे, ठीक है। ड्यूटी पे करें 37,000 रुपये का पड़ेगा, 2,000 रुपये सिंगल सिम पे करनी है, डबल सिम करें 39,000 का पड़ेगा, लोग ज़्यादा फिजिकल सिम यूज़ करते हैं तो वो एक सिम पे कराते हैं, ड्यूटी पे करते हैं तो 34,000 तक का है, 34,000-35,000 का, ये इस तरह के फ़ोन मिलेंगे जो बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन के होंगे, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं, अब देखें ये उससे बहुत अच्छी लाख अच्छी कंडीशन का फ़ोन है, सही है, इसमें LCD में कोई ना हल्का सा माइनर भी शेड नहीं है, दिखा देता हूँ, सही है, इसमें LCD बिल्कुल माइनर शेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये फ्रेश है, ये इस तरह का फोन चाहिए वो मिल जाएगा 37-38,000 तक का, 37-38,000 तक का, ठीक है, वो कस्टमर जब जो स्टॉक पड़ा हुआ होगा उसको दिखा देंगे और जो बोलेगा तो उसको वीडियो सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया गूगल पिक्सल 4A 5G, सही है, जिसको ऑफिशियल अप्रूव करा के यूज़ करना है तो मैं बोलता हूँ उसके लिए ये बेस्ट फोन है, इस प्राइस रेंज में 40,000 के अंदर अंदर आपको पड़ेगा ना, फिजिकल सिंगल सिम करा के या ड्यूल सिम करा के जो भी ऑफिशियल अप्रूव करा के आप आराम से तसली से यूज़ करते हैं उसको, लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें कोई क्लेम रेशो भी इसमें निकलता नहीं है, इसमें मसले मसाइल निकलते नहीं है फोन में, इसमें ये ऐसा मॉडल है, सही। ये हो गया गूगल पिक्सल 4A 5G, अब आ जाते हैं, जल्दी लेना था मोबाइल।
ना कॉल किसके अभी। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल के 6 सीरीज के वाले मॉडल पे। 6 सीरीज में सबसे पहले आते हैं गूगल पिक्सल 6A। 6A हमारे पास ये दो फोन लास्ट टाइम स्टॉक आया था वो अलहमदिल्ला सेल हो गया। उसके बाद अभी जो नया स्टॉक है ना उसका मैं फोन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैंने इसके फ्रेश बिल्कुल फ्रेश मैंने फोन बेचे 38,000 रुपए के। अभी जो नया स्टॉक जब आया था ना तो 38,000 के बेचे। अभी ये लास्ट दो फोन बचे हुए हैं, अब इसमें क्या है वो दिखा देता हूँ। चलो इसमें एक पीस में ना ये देखें सिग्नल का वही शेड आ रहा है, ठीक है। कंडीशन देख लें साफ उतरी है। गूगल पिक्सल 6A 6GB 128GB होता है, ठीक है। 4000mAh बैटरी होती है। ये कैरियर लॉक है, कैरियर लॉक मैं पहले बता चुका हूँ। सिम आपकी नहीं वर्क करेगी, ठीक है ना, जरूरत नहीं सिम वर्क नहीं करेगी। सॉफ्टवेयर करवा के ना लोग सॉफ्टवेयर करवा के दो महीने सिम चल जाती है, दो महीने सिम चल जाती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। छोड़ रख दे, दो महीने चल जाती है, लेकिन अगर आपको ऐसे यूज़ करना तो मेरे ख्याल से बेहतर ले लें आप। के ये जिसको चाहिए होगा ये फ़ोन मिल जाएगा 34,000 रुपये का, जो सिग्नल का शेड है और हल्का सा शेड है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वरना बाकी कंडीशन बिल्कुल साफ से साफ सुथरी है, ठीक है। 100% ओरिजिनल स्टॉक है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ, बॉडी शॉडी गिलास विलास कुछ भी चेंज नहीं, 100% ओरिजिनल, हाँ 100% ओरिजिनल स्टॉक है। ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, कंडीशन भी साफ सुथरी है, हल्के फुल्के पाउच का निशान है, साइडेड कंडीशन साफ सुथरी है, सही है, बेहतर है। ये जिसको चाहिए 35,000 रुपये का मिल जाएगा गूगल पिक्सल 6A सिम लॉक। अच्छा इस मॉडल में अनलॉक अगर होता ना ये फ़ोन तो इसकी ड्यूटी भी कम है। मैंने इससे पहले बताया 30,000 ड्यूटी है इसकी फिजिकल ड्यूल सिम में, तो एक सिम पे होती है मेरे ख्याल से 14-15 हज़ार रुपये आती है, 15,000 रुपये 16,000 रुपये आती है, ठीक है, इस तरह आती है, ठीक है। ये इसमें मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है जो 6A दिखा जरा, एक पीस पड़ा हुआ है वो फैक्ट्री अनलॉक है। फैक्ट्री अनलॉक मतलब दो महीने फिजिकल, दो महीने सिम चलेगी आपकी। इसको आप ऑफिशियल अप्रूव भी करवा सकते हो, ऑफिशियल अप्रूव की ड्यूटी से मैंने बता दी आपको 30-32 हज़ार रुपये आती है और सिंगल सिम पे वो आती है। ये बिल्कुल फ्रेश 100% ओरिजिनल स्टॉक है। ये जिसको चाहिए ना फोन ये मिलेगा 45,000 रुपए का। 45,000 का। अच्छा सिंगल सिम पे 15,000 आती है, सिंगल सिम पे 15-16 हज़ार रुपये आती है और ड्यूल सिम पासपोर्ट पे करेंगे तो और थोड़ी सी कम 3-4 हज़ार और कम आ जाती है। ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, सही है, कोई शेड कोई नहीं है, 100% ओरिजिनल जेन्युइन स्टॉक है। ये फैक्ट्री अनलॉक है, जैसे मैंने पहले अचानक कहा ना फैक्ट्री अनलॉक वाले फोन की ड्यूटी जो है ना आप पे कर सकते हैं, जैसे ये मन लो फैक्ट्री अनलॉक है, ठीक है। इसमें दो महीने फिजिकल दो महीने एसिम चल भी जाएगी आपकी, ठीक है। बाहर मुल्क में तो ये फोन चलेगा ही चलेगा लॉन्ग टर्म, हमें जिंदगी भर चलता रहेगा। यहाँ पाकिस्तान में अगर दो महीने फिजिकल दो महीने एसिम चलने के बाद भी यूज़ करना है आपने तो आप इसकी ड्यूटी पे कर लें। और ड्यूटी मैंने आपको बता दी सिंगल सिम पे कितनी और ड्यूल सिम पे कितनी, ठीक हो गया। ये एक पीस था ये दिखा दिया आपको, फिर भी जाके किसी को अगर कैरियर लॉक नहीं चाहिए तो वो गूगल पिक्सल 6A ये वाला ले सकता है, ठीक है। ये एक फोन है। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल 6 सीरीज पे। 6 सीरीज की ड्यूटी मैंने बता दी, 6 गूगल पिक्सल 6 की ड्यूटी 40,000 से ऊपर होती है सिंगल सिम पे, ठीक है। ये लोग ज़्यादातर व्लॉगिंग ये सब के लिए यूज़ करते हैं यार, आजकल तो वैसे भी आजकल बाहर फोन आते हैं तो वो हॉटस्पॉट करके लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो इस तरह यूज़ करते हैं। 100% समझ भाई 100% ओरिजिनल स्टॉक, कंडीशन है देख लें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह VIP कंडीशन है, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास ग्रीन कलर ज़्यादातर आए हैं, ब्लैक कलर एक दो फ़ोन बचे हैं मेरे ख्याल से। अब ये देख लें आप कंडीशन है हर तरफ से, फ्रंट से भी, और 100% ओरिजिनल जेन्युइन वाटर पैक इस तरह लोग बोलते हैं उस तरह का स्टॉक है। कोई अनलॉक फैक्ट्री अनलॉक वाले फ़ोन है, दो महीने फिजिकल दो महीने एसिम चलेगी, 8GB 128GB का फ़ोन होता है ये, ठीक है। एक फ़ोन ऐसे दिखा देते हैं, LCD है बिल्कुल फ्रेश है, कोई शेड कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा, अगर 19-20 को चीज़ होगी तो बता देंगे दानिश भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोशिश तो हमारी ये होती है जो चीज़ हमारी नज़र में आ गई तो हम कस्टमर को बता दें। वही मान लो कि 8GB 128GB 4500mAh बैटरी है, एंड्रॉयड 14 पे अपडेटेड है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। कलर ये मिल जाएगा और ब्लैक मिल जाएगा, ब्लैक का मेरे एक दो फोन पड़े होंगे, बाकी ज़्यादातर कलर ये वाले हैं, ठीक है ना, एंटी कलर है मतलब बेहतरीन कलर है 100% ओरिजिनल। ये मिल जाएगा आपको फ्रेश पीस जो है विथ चार्जर हमारे हर उसके साथ है। ये मिल जाएगा, लास्ट टाइम 49,000 के रेट खोले थे जी, इस बार और कम कर दिया है 48,000 रुपये, सही है। 48 थे लास्ट टाइम, 49 के रेट थे, इस बार 48 कर दिया, 48,000 कर दिए। फ्रेश पीस की रेट बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। अभी आगे कंडीशन वाले फोन आएंगे तो उसके तो और रेट कम कर दिए, ठीक है। ये जिसको चाहिए होगा फ्रेश 100% ओरिजिनल, जिसमें फैक्ट्री अनलॉक वाला वही मान लो फैक्ट्री अनलॉक वाला, उसमें दो महीने फिजिकल दो महीने इसमें चल जाए वो मिल जाएगा आपको 48,000 का विद चार्जर। अब इसमें हमारे मेरे पास ये 128GB बताया सही, इसमें 256GB के दो पीस हैं। ये भी देख लें कंडीशन देख लें साइडों से, बिल्कुल फ्रेश है, सही है। अब इसमें ना ये 256GB है, इसमें क्या है LCD बिल्कुल फ्रेश है, आपको लॉक भी दिखाता हूँ। ये देखें हल्के हल्के माइनर स्क्रैचेज हैं, मतलब बिल्कुल माइनर स्क्रैचेज हैं, क्रैक नहीं है, स्क्रैचेज हैं। ये यूज़ फोन नहीं बंदा करता तो निशान आ जाते हैं बगैर प्रोटेक्टर के।
अब ये प्रोटेक्टर लग के यूज हुआ है, ये बगैर प्रोटेक्टर के यूज हुआ है, इसलिए अब इसमें निशान है। सही है, ये जिसको चाहिए ना, ये 256 GB है, दिखा देता हूँ अंदर से जाके। वही मान लो फैक्ट्री अनलॉक सिम चलेगी आपकी, 4 महीने सिम चलेगी, फिजिकल सिम, ई सिम, ड्यूटी ऑफिशियल पे करनी हो कर सकते हैं, बाहर ले जाना से ले जा सकते हैं। 256 GB, 8 GB, 256 GB है, ये जिसको चाहिए ये मिल जाएगा 50,000 के हिसाब से। 256 GB की बाजार 50,000 की नहीं है, 256 GB की बाजार मार्केट में 55,000 से कम की नहीं है। इस तरह का भी निशान हल्के निशान वाला फोन भी ना 55,000 तक हम आपको दे रहे हैं, 5,000 कम में, और प्लस चार्जर भी दे रहे हैं आपको। मैं रेट कोड इसलिए नहीं करता, मुझे नहीं मुनासिब लगता कि हम किसी के रेट कोड करके अपने रेट कम करके बताएं, ये नहीं। हमारे ये रेट हैं, जिसको समझ आए वो ऑर्डर बुक कराए। पेमेंट का तरीका अगर बता दूँ, पेमेंट का तरीका करते एडवांस पेमेंट है सिर्फ, कैश ऑन डिलीवरी वाले हजरात रब्ता नहीं करें तो बेहतर है, उनके करते ही नहीं है हम कैश ऑन डिलीवरी। उनको लोग फिर मैसेज करेंगे 50 चीज़ें पूछने के बाद बोलेंगे कैश ऑन डिलीवरी, मैं आपको बोलूँगा नहीं, ओके खुदाफिस, यही तरीका है मेरा तो, डायरेक्ट मना, यही मना करेंगे ना और क्या करेंगे, हम कैश ऑन डिलीवरी करते नहीं है एडवांस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, नहीं कहाँ, वो तो कमेंट्स वालों को तो मैं मतलब पता नहीं, लोग समझते होंगे शायद हमारे बने हुए अपने बंदे तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पुराने 3-3 साल 2-2 साल पुराने लोग कसम में कमेंट्स करते हैं, मुझे तो हैरत भी होती है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, मोबाइल है, अब 6 महीने में ख़राब हो जाता है, लोगों को 2-3 साल पुराने चल रहे हैं, बड़ी बात है भाई। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, ओरिजिनल फ़ोन होते हैं तो उसमें शिकायतें बहुत कम निकलती हैं, और कोशिश हमारी ये होती है कि जो चीज़ ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, चेक होके जाती है हमारे पास से। पेमेंट लोग एडवांस, नए नए कस्टमर इतने बन गए अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भरोसा भी कर रहे हैं और पेमेंट एडवांस भेज भी दे रहे हैं। पेमेंट हमारी फुल एडवांस होती है, TCS के चार्जेस 500 रुपये आते हैं, वैसे 600 TCS वाले लेते हैं हम, 100 रुपये डिस्काउंट करते हैं कस्टमर को। पेमेंट एडवांस होती है और पार्सल लग जाता है आपका। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल में 6 में, कुछ कंडीशन वाले फ़ोन में जिसकी बजट अगर रेंज कम है किसी की ना, उनको दिखा देते हैं। वीडियो मेरे का थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी शायद ना, बहरहाल कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी करते हैं। सुनो भाई, ये है गूगल पिक्सल 6 शेड वाला, शेड में ठीक है, देख रहे शेड आ रहा होगा वीडियो में, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन बाहर आ रहा है शेड, सही है शेड है, बता दिया आप लोगों को। ये एक और पीस है, दोनों पीस अनलॉक है ठीक है, फैक्ट्री अनलॉक है, लेकिन दोनों पीस पे शेड है ठीक है, दोनों पीस पे शेड है। ये जिसको चाहिए होगा ना, देख लें फैक्ट्री अनलॉक है, इसमें सिम चलेंगी 4 महीने, सही है। ये जिसको चाहिए होगा, कंडीशन है देख लें, कंडीशन साफ सुथरी है, कोई फॉल्ट नहीं होगा, 19-20 फॉल्ट भी नहीं होगा, जो सिर्फ बताया ना शेड आ रहा है वो शेड है, और शेड बढ़ता बढ़ता नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट एक होता है ना इंसान का कि यार शेड बढ़ता कुछ भी नहीं है ठीक है ना, सही है। ये आपका चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, मैं कोई तंग नहीं करेगा आपको, अल्लाह ना करें। ये जिसको चाहिए होगा ना ये मिल जाएगा, ये दोनों फोन में से जो भी चाहिए जिसको ना, 40,000 के हिसाब से गूगल पिक्सल 6 सही है। हाँ ये सस्ते दे रहे हैं मार्केट में, यही फ़ोन अगर इस तरह किसी दुकानदार का पड़ा हो तो वो 42-43-45 से तो कम 44 से कम देगा नहीं। फैक्ट्री अनलॉक की बात हो रही है, ये कैरियर लॉक वाले फ़ोन नहीं है। अब आ जाते हैं एक और पीस है हमारे पास, ये भी फैक्ट्री अनलॉक है, इसमें भी सिम चलेगी आपकी। कंडीशन देख लें साइड से, सही है नॉर्मल कंडीशन है, ये ना ये ख़राब हुआ हुआ थोड़ा। अच्छा ये बैक ऊपर ना क्या, ये गिलास होता है, ये निकल जाता है और 500 रुपये का चेंज भी हो जाता है ऊपर से। अच्छा मतलब को ये नहीं खुलना नहीं पड़ेगा फोन आपको, ऊपर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। एज इट इज़ किसी को चाहिए अगर तो ले, कोई कस्टमर बोलता है यार हमें करवा के दे दो, तो 500 रुपये का ये गिलास है और 500 रुपये मैकेनिक लेगा मेरे से फिटिंग करने के, तो वो 1,000 रुपये खर्चा आएगा। और मैं इस बात को तरजीह दूंगा, देखें ये पाउच होता है ना, एक बात है एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर ये पाउच की, अब ये जब पाउच लगेगा तो ये चीज़ छुप जाएगी, सही है। तो ज़रूरत नहीं है इस फ़ोन को छेड़ने की, एज इट इज़ किसी को चाहिए। ये फ़ोन सिम लॉक है ठीक है, ये कैरियर लॉक है, जिस तरह अभी इससे पहले जो दिखाया ना वो सब अनलॉक वाले फ़ोन थे, ये कैरियर लॉक है सही है। ये जिसको चाहिए ये मिल जाएगा आपको 39,000 का गूगल पिक्सल 6। कंडीशन की वजह से LCD बिल्कुल फ्रेश है, कोई शेड नहीं है, सिम लॉक है, 39,000 का मिलेगा इस पैसों में। बहरहाल जिसको चाहिए वो ले लीजिएगा ठीक है ना। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल 6 प्रो पे, बल्कि काम करते सबसे पहले उससे पहले आते हैं गूगल पिक्सल 7 प्रो पे। 7 प्रो लास्ट कुछ 5-7 पीस आए थे हमारे पास, अलहमदिल्ला वो सेल हो गए, मतलब दुकानदार कस्टमर ऑर्डर पुराने होते ना, पुराने कस्टमर पेंडिंग वाले, तो उनको हम पेंडिंग में डाल देते हैं कि ऑर्डर स्टॉक आते हैं तो बता देते हैं उनको, तो उन्होंने लेके चले गए, दुकानदार थे उन्होंने लेके चले गए। ये लास्ट पीस है, एक पीस है 100% ओरिजिनल है, साइड से कंडीशन थोड़ी रफ हो रही है, पाउच लगने की वजह से थोड़ा निशान आ रहे हैं ठीक है ना, सही है। LCD बिल्कुल फ्रेश है, 12 GB 128 GB है, सिम लॉक है, कैरियर लॉक है ठीक है, LCD बिल्कुल फ्रेश। एक मिनट,
LCD बिल्कुल फ्रेश है। कैमरा चेक करना है इसका, दिखा देते हैं कैमरा। गूगल पिक्सल 6 7 प्रो का कैमरा बेहतरीन ही है, ऐसे तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी और तारीफ़ करने की। बहरहाल G2 प्रोसेसर लगा हुआ है, 12 GB 128 GB है, सिम लॉक है, जिसको चाहिए इतने का मिलेगा। कलर भी देख लिया, कलर बहुत एंटी है, 75,000 रुपये का 100% ओरिजिनल स्टॉक है, कोई चेंज नहीं है, फ्रेश पीस है, कोई स्पॉट कुछ भी नहीं है, ठीक है। 75,000 रुपये का पड़ेगा फाइनल, जिसको चाहिए ओके कर बुक करवा लीजिएगा वीडियो अपलोड होने के बाद। अब आ जाते हैं गूगल पिक्सल 6 प्रो पे। 6 प्रो का एक पीस पहले दिखा देता हूँ, ये है 12 GB 256 GB 100% ओरिजिनल फ्रेश पीस, कोई शेड नहीं है, कोई ग्लास करे, कोई डॉट कुछ भी नहीं है। कंडीशन देख लें, माशाल्लाह बेहतरीन कंडीशन है, माशाल्लाह फैक्ट्री अनलॉक है, ठीक है, फैक्ट्री अनलॉक हो, ये अनलॉक हो, 2 महीने फिजिकल, 2 महीने सिम चलेगी। मेरा GB 256 GB कैमरा इसका दिखा देते हैं एक नज़र वापसी इसका भी, ये देखना कैमरा क्लियरिटी चेक कर रहे हैं, ये कोई कैंडी कैमरा है मेरे से, नहीं वीडियो नहीं बन, वो नहीं हो रहा, ये नॉर्मल, हाँ सही है, लोग कैंडी कैमरे से वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें नहीं है, ये अपना ओरिजिनल कैमरा है, ठीक है ना। G1 प्रोसेसर लगा हुआ था, 5000 mAh बैटरी, 256 GB का फोन है, गूगल पिक्सल 6 प्रो बिल्कुल फ्रेश पीस ये मिल जाएगा आप लोग को इतने का 70,000 रुपये का। 65-68 की बाजार चल रही है मेरे ख्याल से, 128 GB की, ये आपको 100% ओरिजिनल जेन्युइन स्टॉक दे रहे हैं 70,000 में 256 GB का। अब आ जाते हैं 6 प्रो में 128 GB। अब मैंने आपको बोला 128 GB 65-68 की बाजार चल रही है, हम आपको दे रहे हैं इतने का, ये लें 62,000 रुपये का, फैक्ट्री अनलॉक, हाँ फैक्ट्री अनलॉक, सॉरी 62,000 रुपये का, और बिल्कुल फ्रेश, कोई शेड, कोई डॉट, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री अनलॉक दिखा देता हूँ आप लोगों को, वही अनलॉक, वही अनलॉक, 2 महीने फिजिकल, 2 महीने नॉन एक्टिव है, 12 GB 128 GB कंडीशन है, देख लें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कंडीशन है, मतलब अगर भाई ये दो ये जो दिखा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ वही है और नहीं है, ये जो इस शोकेस में पड़े हुए ना फ़ोन वही है, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 प्रो में थोड़ी कंडीशन वाले, इस तरह जो सस्ता जिसको चाहिए किसी को, अगर अनलॉक है, फैक्ट्री अनलॉक है, फिजिकल 2 महीने इसमें चलेगी, कंडीशन साइड से देख रहे हैं थोड़ी रफ है, 12 GB 128 GB ये भी, LCD बिल्कुल फ्रेश है, LCD में कोई शेड वेड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, अनलॉक है, इसकी कंडीशन साइड से साफ है, इसमें जो है बैक पे हल्के बुल्के पाउच के निशान है, और फ्रंट पे स्क्रैच है थोड़े, सही है। ये जिसको चाहिए ना ये मिल जाएगा, चाहे वो ये वाला ले या ये वाला ले, 5,000 कम कर दिए, 62,000 में आपको फ्रेश बोला, 57,000 में ये मिला, बेसिकली ये यूज फोन है ये, ठीक है, यूज में जाएगा, रेट बेचने को हम ये 62,000 में बेच सकते हैं, फर्क सिर्फ रखने की वजह जिसकी रेंज, जिसको बिल्कुल VIP कंडीशन का फोन चाहिए वो ले लें आप 62,000 रुपये वाला, जिसकी कंडीशन थोड़ी रेंज कम है वो ले लें, ये खराब ये भी नहीं है, खराब वो भी नहीं है, ओके 100% ओरिजिनल जेन्युइन स्टॉक है, वही स्टॉक आया उसी में से निकला, सही है ना भाई। ये कंडीशन में थोड़ा सा वो है 19-20 है तो बता दीजिए आपको, कोई मतलब डॉट वॉट कोई इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री अनलॉक है, लॉक नहीं है, फैक्ट्री अनलॉक है, लॉक के रेट 55,000 रुपये 57,000 रुपये चल रहे, बल्कि अभी आपके सामने बेचा एक वाइट कलर फोन 57,000 रुपये 58,000 रुपये कितने का, 56,500 का बेचा है आपके सामने अभी, बीच कस्टमर खड़ा हुआ था। अब ये हो गया, अब आ जाते हैं एक और पीस है, ये कैरियर लॉक है, मतलब सिम आपकी नहीं चलेगी, 12 GB 128 GB ये भी, कंडीशन इसकी वही जिस तरह पहले, फ्रेश पीस है बिल्कुल सही है, कोई शेड कोई डॉट कुछ भी नहीं है, ये जिसको चाहिए 55,000 रुपये का, हर वैरायटी दिखा दी है, कस्टमर की रेंज 55,000 रुपये वो फोन, ये वाला फोन ले ले, जिसकी रेंज 57,000 रुपये वो वाला फोन ले ले, जिसकी रेंज बिल्कुल 62,000 फोन ले ले, और जिसकी रेंज से ऊपर 70,000 लेना 256 GB वो ले ले। स्टॉक हो गया फिनिश अभी के लिए, सही है ना, इंशाल्लाह आगे आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह, वीडियो पर जाए ये इंशाल्लाह स्टॉक, अल्लाह से हमें उम्मीद तो हमें यही है कि 2-4 दिन में तो इंशाल्लाह हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मालिक का वैसा नहीं, बड़ा बोल नहीं बोलते, हमारे पास कस्टमर ले जाता है, हमारे पास कस्टमर पेंडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह, ये वीडियो सिर्फ मेन वजह सिर्फ यही है, कस्टमर पेंडिंग में बहुत होता है ना, ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें तो, लेकिन उससे भी थोड़ा ये है कस्टमर डाइवर्ट हुआ है, मतलब व्हाट्सएप से मतलब कि कस्टमर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेता है, लेकिन ये है कि वीडियो में थोड़ा सा वो इधर डिटेल बात चल जाती है कस्टमर को, वो एक एक चीज़ बता देते हैं हम, बारीकी जो होती है ना वो बता देते हैं कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर दे के बुक करवा ले। अब आ जाते हैं शॉप कहाँ पर है, शॉप हमारी सिर्फ एक ही है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है,
कोई अगर किसी के किसी की मुशाइबत अगर मेरे से होती है और वो कोई फोन किसी दुकानदार से ले लेना, अगर ये किसी को मैं बोल नहीं रहा कि नहीं, कस्टमर दो चार लोगों ने मुझे थोड़ा कहा इसलिए बोलना पड़ रहा है मेरे को, कि किसी की मुशावत मेरे से अगर होती है और वो समझता है कि ये मेरा छोटा भाई है या भाई है और मैं उससे फ़ोन ले लूँ और फिर बाद में दानी भाई को बोलूँ दानी भाई ये मसला आ रहा है हल करा दो, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ की, आप उनसे लें, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ, आप हमसे ही लें सिर्फ। आप कोई ब्रांच नहीं? मेरी ब्रांच भी कोई भी नहीं है। 80 दिखा ना, 1+80 नीचे बड़ा बबरा। अच्छा, तो मेरी कोई ब्रांच नहीं, बहरहाल शॉप हमारी कराची में शॉप है, स्टार सिटी मॉल में, शॉप नंबर 429 429 4th फ्लोर। मंडे से लेकर सैटरडे तक शॉप खुलती है हमारी, टाइमिंग 1 बजे से लेकर 10 बजे तक की है, संडे शॉप क्लोज होती है। वीडियो इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर देंगे। अच्छा, तो जिसको कल मैं वो बता रहा हूँ, कल तक जिसको कल ऑर्डर जिसको देना हो वो दे दें कल और परसों तक, मैं कल जुम्मे तक लास्ट डे होगा, ठीक है, आगे ईद है। और दूसरी बात ये प्रोसेस तरीकेकार सिंपल है, आपने जो फ़ोन देखा है वैसे प्राइस लिखे हैं, जैसे मैंने नहीं पैसे लिखे अभी, उसका स्क्रीनशॉट लें, वो व्हाट्सअप फॉरवर्ड करते हैं, वीडियो देख लिया करें, आप लोग की मेहरबानी होगी, वीडियो थोड़ी सी देख लिया करें, सेकंड्स की सिर्फ, जो आपको फ़ोन लेना उस फ़ोन की वीडियो देख लिया करें कम से कम, आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते अगर उस फ़ोन की वीडियो देख लें, ताकि आपको पता हो कि क्या मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं मंगवा रहा हूँ, क्या मैं डिटेल मालूम कर रहा हूँ ना, फिर थोड़ी और डिटेल अगर लेनी है आप कॉन्टैक्ट कर लें, आपको डिटेल दे देंगे। ये जो फ़ोन दिखाएं यही फ़ोन है, इसके अलावा हमारे पास वीवो ओप्पो टेक्नो XYZ और जो ब्रांड के फ़ोन है वो हमारे पास नहीं है, होंगे तो वीडियो में ही दिखाएंगे, वो आप पूछ के भी आप, हम तो यही बोलेंगे आप कहीं और से रब्ता करें, फिर कैश ऑन डिलीवरी वाले हज़रा डायरेक्ट कैश ऑन डिलीवरी वाले दुकानदारों से रब्ता करें, मेरे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको भरोसा होता है तो आप हमसे फ़ोन जो चाहिए वो मंगवा सकते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला हम अपनी ज़ात से भी कोई अल्लाह ना करे कभी किसी से ना धोखा कराए ना कुछ कराए और ना कभी करेंगे, सही है, ये नौबत कभी आएगी नहीं, बेफिक्र हो के पैसे लगा देते हैं, मतलब मेरे को बेफिक्र होकर लगा दे, इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे, जो चीज़ बोली ना वही देंगे इंशाल्लाह, जो वीडियो में देखा है वही चीज़ मिलेगी। 1+80 आया हुआ, 1 पीस बैक ग्लास कराया, चेंज नहीं कराया, 2000 रुपये का चेंज होता है, अभी 100% और देना, कुछ भी चेंज नहीं कराया, ये ग्लोबल LCD बिल्कुल फ्रेश है, ग्लोबल ड्यूल सिम है ये, ऑफिशियल ओरिजिनल जो ड्यूल सिम होता है ना वो है ये, ठीक है, सिम वर्किंग है इसमें, ठीक है ना, LCD बिल्कुल फ्रेश है, सॉरी LCD फ्रेश नहीं है, माइनर सा शेड है। अच्छा, अभी देखा मैंने, ये मुझे अंदाजा नहीं था, ये रहा, ये देखिए हल्का सा माइनर शेड आ रहा है अभी भी देखा, ठीक है। 1+80 स्पेसिफिकेशन, एक मिनट दिखाता हूँ स्पीड में, नहीं नहीं 12 GB रैम एक्सटेंडेबल, 4 GB और भी होती है इसमें, 865 256 GB है, ठीक है, ड्यूल सिम है, 4500 mAh बैटरी है इसकी, एंड्रॉइड 13 है, ये जिसको चाहिए ना, ये शेड वैसे उस वक्त जब मैंने लगा रहा था तो उस वक्त तो नहीं था, बहरहाल ये शेड है हल्का सा माइनर है, ये जिसको चाहिए ये मिल जाएगा इतने का, 48,000 रुपये का, ठीक है। बैक कवर ग्लोबल ड्यूल सिम है, जिसको बैक कवर इसका चेंज कराना 2000 रुपये का चेंज हो जाएगा, 2000 का बैक कवर होगा तो 200-300 रुपये लगाने के होंगे, और मेरा मशवरा ये होगा कि बैक कवर चेंज करें, सिर्फ पन्नी लगा लें और पाउच लगा लें और कुछ भी नहीं करें, उसको यूज़ करें बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में, 100% ऑरिजिनल स्टॉक है, 48,000 रुपये का मिलेगा 1+80 ग्लोबल ड्यूल, 12 GB 256 GB, और क्या बस इजाज़त दें और दो में रखें 700 रुपये, और बाकी अगर कोई बात किसी को भी लगती है तो माजरत, उसके लिए कोशिश करा करें के वीडियो देख के जो चीज़ सही है वो बुक करवा लीजिए करें, ठीक है। और बहरहाल एक और चीज़ मैं छोटी सी चीज़ मेंशन कर दूं, स्टॉक मेरे पास ये ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर ग्रुप अपने वीडियो के नीचे ना कमेंट में कर, ब्रांडेड स्टोर के नाम से कमेंट्स आ जाता है कि यार ये स्टॉक खत्म हो गया है, तो लोग फिर वो रब्ता नहीं करें, फिर वो वेट करें अगली वीडियो के लिए, ठीक है ना। और किसी को अगर व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा, इसी नंबर बता देता हूँ आप लोगों को मैं, 0321-272-6762 मोहम्मद दानिश नाम है, बाकी शॉप पे अगर विजिट करेंगे तो शॉप पे बिलाल भाई होते हैं, वो आपको डील कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ओके सर, खुदा हाफिज़।